गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मस्केंजार क्रॉनिकल। तो आज हम आ गए हैं पलोलम से पंजिम में। तो मार्केट कवर करने के बाद हम लोगों ने पलोलम से कैब करी और सीधा पंजिम आ गए और यहां पर हमारा 2 दिन का स्टे है और यहां पर हम बहुत ज्यादा मजे करेंगे। तो कैब में 2 घंटे हमें लगे और 2 घंटे में हमारी तो हालत टाइट हो गई यार, बहुत मुश्किल है ये ट्रैवल करना, थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। बिकॉज हम फर्स्ट डे जब गोवा में आए थे तो हमने एयरपोर्ट से कैब ली थी, तब भी हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए थे साउथ गोवा पहुंचने में, और आज पंजिम तक आने में भी हमें ऑलमोस्ट दो घंटे लग ही गए हैं। तो अभी आकर हम लोगों ने अपना होटल में चेक इन कर लिया है। यहाँ पे होटल हमने पार्क प्राइम लिया था और हमारे पीछे आप देख सकते हो कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे रुको जरा, सबर करो। सो गाइस, साउथ गोवा से पंजिम में आते ही होटल में पार्क प्राइम में हमारे साथ एक स्कैम होने वाला था, लेकिन हम बच गए उस स्कैम से। उस स्कैम के बारे में भी अभी आपको बताएंगे, तो उससे आपको भी हेल्प रहेगी कि अगर आप यहाँ पे आके पंजिम में पार्क प्राइम होटल बुक करना चाहो तो वो चीजें आप अपने दिमाग में रख सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको सारा रूम के बारे में, रूम कैसा है, होटल कैसा है, क्या क्या चीजें यहाँ पर है, उसके बारे में बताता हूँ, और फिर जो स्कैम की स्टोरी है जिससे हम अभी अभी बचे हैं उसकी बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो देखते रहो वीडियो और सारे मजेदार, इस होटल अच्छा होटल है, इस होटल का रिव्यू आपके साथ पूरा हम शेयर करते हैं। सो गाइस, ये है हमारा पंजिम का होटल, होटल पार्क प्राइम, और ये है उसकी एंट्री। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ रिसेप्शन एरिया, और पीछे 2 व्हीलर्स की पार्किंग भी अवेलेबल है। यहाँ पर सब चेक इन एंड ऑल और वेटिंग भी कर सकते हो आप, एम्पल स्पेस है। राइट साइड पे फ्लावर्स एंड ऑल की डेकोरेशन है और शू क्लीनर मशीन भी है यहाँ पर, और यहाँ एक सिस्टम सेटअप है जहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। सामने टीवी प्लस चेकिंग है तो आप आराम से यहाँ पर वेट कर सकते हो अपनी टैक्सी के लिए। प्लस ये एरिया बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है और फ्लावर्स से डेकोरेशन भी है। और आगे भी चलें तो इस साइड पे लिफ्ट्स हैं, 8 फ्लोर्स हैं इस होटल में, तो 2 लिफ्ट्स अप्रोप्रिएट है ताकि गेस्ट को प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, इधर थी लिफ्ट, हम लोग लिफ्ट से अभी एंट्री करे हैं। अभी चलते हैं अपने रूम की तरफ और 6th फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये स्टेयर के सारी है नीचे, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक, और ये है हमारा रूम, मस्ट रूम में ही है। और रूम नॉक नॉक करते हैं और चलते हैं रूम में, 6th फ्लोर पे हमारा रूम Hello. है। हेलो, तो कैसा लगा रूम मस्क आपको? बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा रूम है, सफिशियंट है, बहुत लग्जूरियस रूम है। सो गाइज, लग्जूरियस रूम है, आपको दिखाते हैं इस रूम में क्या क्या है। मैं सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ पर अलमीरा है लेफ्ट साइड पे, और ये अलमीरा में काफी सफिशियंट स्पेस है और लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर, लॉकर भी है तो आप अपना वैल्यूएबल्स इसमें रख सकते हो। लॉन्ड्री बैग है और शू के लिए शाइनर है, प्लस यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। राइट साइड पे यहाँ पे मिरर लगा हुआ है रूम में, और इस मिरर के ऊपर ही डोर जो है वो आपको वॉशरूम में ले जाता है। सामने भी बहुत बड़ा मेजेस्टिक सा जो है मिरर लगा हुआ है, प्लस इधर वॉशरूम है। सो वॉशरूम में सारी कलेक्ट्रीज, डेंटल केक, शेविंग केक, सोप वगैरह, शार कैप सब कुछ है अवेलेबल। तो इधर साइड पे जो है वो शार एरिया है, बेडिंग एरिया है, और यहीं से जो है वो आप रूम का व्यू ले सकते हो। मस्क हेलो कर रही है वहाँ से। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स इन आर रूम, तो मिनी फ्रिज अवेलेबल है यहाँ पे। मिनी फ्रिज में कुछ सामान जो इन्होंने दिया हुआ है, प्लस ये कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं, ये सारे पेड हैं। प्लस इसके जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर सारे मेंशन है, तो आप यहाँ से कुछ भी अगर लेना चाहें तो आप पे करके ले सकते हैं। प्लस बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं, कैकल वगैरह और सारी चाय कॉफ़ी बनाने के लिए सो है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। प्लस इधर की तरफ आएँ तो हमारा लगेज पड़ा हुआ है, बहुत सारा लगेज है। पहले भी हमने रिजॉर्ट्स में आपको बताया, व्लॉगर्स के पास अनलिमिटेड लगेज होता है, तो एक्स्ट्रा लगेज का पे करके भी हम लोग हर जगह जाते हैं। और फिर यहाँ से मूव करें तो काफ़ी बड़ा बैग है, सो आई वुड से क्वीन साइज बैग है। और यहाँ पे पानी की पूरी 1/2 लीटर की 4 बॉटल्स दी गई हैं, साथ में छोटी सी एक सीनरी है गोवा को रिप्रेजेंट करती हुई। लेफ्ट साइड पे टीवी लगा हुआ है, प्लस ये कुछ हमने शॉपिंग करी थी आज साउथ गोवा से। सो ये यहाँ पे एक और मिरर लगा हुआ है, तो मिरर तो सफिशियंट मिरर्स हैं, मतलब मिरर के लिए लड़ाई नहीं हो सकती हमारी यहाँ पर आके। और एक छोटा सा सोफ़ा है जो बहुत कंफर्टेबल है, मैंने इस पर बैठ के देखा अभी, और टेबल साथ में अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर जो है
मेन्यू दिया हुआ है इनका जो रेस्टोरेंट है उसके बारे में। सो साथ में यहाँ पे लैंडलाइन है जिससे आप रिसेप्शन, रेस्टोरेंट, हाउसकीपिंग कुछ भी फैसिलिटी लेना चाहें तो वो यहाँ से कॉल करके इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो रूम से। और रूम का जो सबसे बेस्ट पार्ट जिस वजह से हमने रूम को बुक किया है वो दिए देखो, मस्क हमें दिखाएगी कि इस रूम से व्यू, जो व्यू बहुत है, अच्छा व्यू आता है यहाँ से, बहुत जबरदस्त व्यू है पंजिम सिटी का। इस वजह से हमने अपना ये रूम बुक किया था वो यहाँ के व्यू के लिए। बालकनी से जो व्यू आ रहा है देखो कितना शानदार व्यू आ रहा है, और सामने हमारे अटल सेतु ब्रिज है और नीचे थोड़े से हट्स वगैरह हैं, यहाँ पे हाउसेज हैं, और सामने लेफ्ट साइड पे सारी जो है उसके अटल सेतु ब्रिज के नीचे से मांडोवी रिवर है जिसमें क्रूजेज, जो लेफ्ट साइड पे आप देखो एक क्रूज भी आ रही है, तो नाइट क्रूजेज यहाँ पर चलती हैं। और इसी मांडोवी रिवर में ही जो है कैसिनोज, बहुत सारे जो कैसिनोज हैं गोवा जिस चीज़ों के लिए फेमस है कैसिनोज, वो सारे यहाँ पर कैसिनो शिप्स जो हैं वो डेक्ड इन है। तो गाइज इस व्यू के लिए हमने ये रूम बुक किया और बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है आई वुड से, और आपको भी मैं यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। सो गाइज वो देखो सामने मैजेस्टिक प्राइड कैसिनो है और उधर कैसिनो प्राइड है। सो ये सारे कैसिनोस यहीं पर ही सिचुएटेड है। सो गाइज ये था हमारा रूम टूर और रूम काफ़ी अच्छा, काफ़ी लग्जूरियस हमें लगा। अब चलते हैं यहाँ के रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए, जो एक और रीज़न है जिस वजह से हमने ये होटल पार्क प्रेम होटल पंजिम में बुक किया, वो है यहाँ का रूफटॉप रेस्टोरेंट। सो उसका जो व्यू आता है वो भी आपको चलकर वहाँ से रूफटॉप से आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे पार्क प्राइम के 8th फ्लोर जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है, और ये है रूफटॉप रेस्टोरेंट का व्यू। बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, लाइट्स वगैरह चल के बहुत ब्यूटीफुल यहाँ का व्यू को बहुत सुंदर बना रही है। और इस रूफटॉप रेस्टोरेंट के रौनक को जो और जगमग करके चार चांद लगा रही है वो ये चीज़ है, सामने अटल सेतु ब्रिज है जो ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, और रूम से मैंने आपको व्यू दिखाया था बट यहाँ से और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम आई लेवल पे है सामने अटल सेतु ब्रिज के। बहुत सुंदर ब्रिज है और थर्ड लार्जेस्ट मैंने आपको बताया केबल स्टेक ब्रिज है इंडिया में। और सामने इधर नीचे की तरफ आप देख सकते हो मांडोवी रिवर जिसमें ये क्रूज चल रही हैं जो नाइट क्रूजेस, और साथ ही साथ पीछे इसके जो है कैसिनोस वगैरह सारे हैं। काफ़ी अच्छे से ग्रीनरी यहाँ पर है, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल बना हुआ है। टीवी लगा हुआ है साइड पे, इस साइड पे जो है वो बार भी है यहाँ पर, तो आप अपनी ड्रिंक एंजॉय करके साथ में डिनर वगैरह ले सकते हो। तो गाइस ये था यहाँ के रूफटॉप रेस्टोरेंट का रिव्यू पूरा। गाइज अब हम लोग चलते हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, आज रेस्ट करते हैं और कल हम आपको यहाँ के ब्रेकफास्ट का रिव्यू देंगे और स्कैम के बारे में भी बताएंगे। गाइज द नेक्स्ट मॉर्निंग, पहले मैं अभी आपको मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ यहाँ से अपने रूम से, और ये देखो गाइज ये है मॉर्निंग व्यू, और सामने गाइज देखो अटल सेतु कितना सुंदर लग रहा है, सुबह के टाइम पे भी बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। वहाँ से आप जो है उस एरिया से जो है यहाँ से क्रूजेज ले सकते हो मांडोवी रिवर में, जो इवनिंग क्रूजेज और डिनर क्रूजेज चलती हैं। सो ये है मॉर्निंग का व्यू, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से हमारे रूम से। सो अगर पंजिम में आप अपना होटल सोच रहे हैं लेने का और व्यू चाहिए आपको बहुत ज़बरदस्त, पार्क प्राइम होटल बेस्ट है। सो गाइज अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, बहुत भूख लग रही है। फर्स्ट फ्लोर पे ट्यूलिप रेस्टोरेंट सिचुएटेड है इस होटल का, जहाँ पे बुफे ब्रेकफास्ट लगता है। गाइस अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग वापस आए हैं, तो मस्त रेडी हो चुकी है नेक्स्ट व्लॉग शूट करने जाने के लिए। आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ। बिल्कुल मैं भी जल्दी से रेडी होता हूँ, पहले मैं इस एपिसोड को खत्म कर देता हूँ। सो गाइज इस व्लॉग को, इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप कि हम लोग आपको पार्क प्राइम के बारे में एक अच्छा सा रिव्यू और सारी चीज़ें कवर करके दिखा पाए होंगे। और अब कुछ बात, इम्पॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर फील करी।
कि स्टाफ तो बहुत अच्छा है यहाँ का, रेस्टोरेंट का भी, और सारे हेल्पफुल हैं स्टाफ, और सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, काफ़ी अच्छा वेल इक्विप्ड रूम है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रिज वगैरह और ड्रायर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, टॉयलेट्रीज वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्लस जो रूम का प्लस पॉइंट, पहले प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पे मांडोवी रिवर है उसके साइड बाय जो ये होटल बना हुआ है, तो इसका व्यू रूम से बेस्ट व्यू है पंजिम का, और आपको हमने वो भी दिखाया। और थोड़े थोड़े टाइम बाद मांडोवी रिवर में जैसे क्या है, बोट्स चलती रहती हैं, तो बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी है, आप यहाँ पे बैठ के घंटों भी बिता सकते हो अपने, और आराम से यहाँ से चाय की चुस्की या पार्टी वगैरह कर सकते हो यहाँ से। तो गाइज अब बात कर लेते हैं एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में। जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे स्कैम अलर्ट के बारे में शेयर किया था वो ये था कि हमने अपना यहाँ पर रूम बुक किया था और एलीट रूम हमने बुक किया था। जब हम यहाँ पर पहुँचे और रिसेप्शन पे चेक इन कर रहे थे, सो हमें जो रिसेप्शनिस्ट है उसने ये बताया कि आपका बेसिक रूम बुक है और बेसिक रूम अभी अवेलेबल नहीं है आज, तो उसकी वजह से हम आपका जो रूम है वो एग्जीक्यूटिव रूम्स में जो है अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए बेटर है ये ऑप्शन, तो आप वो ले लीजिए। तो फर्स्ट गो में हर कोई नॉर्मली यही बोलता है कि ठीक है चलो कि हमारा अपग्रेड हो गया। तो हम लोग जब आए तो एग्जीक्यूटिव रूम्स ऊपर आते हुए हमने देखा कि सेकंड फ्लोर पे है, तो प्लस पॉइंट ये रहा कि हम जैसे ही लिफ्ट में चढ़ने लगे तो मैंने आपको दिखाया था कि राइट साइड पे इस होटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सेकंड फ्लोर पे एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं, फिर एलीट रूम्स हैं। तो हमार को जो याद था, हमने तो एलीट रूम अपना बुक किया हुआ था, एलीट डबल रूम, तो हम ऊपर रूम में आए और रूम में आके व्यू देखा, व्यू कुछ नहीं है, और सेकंड फ्लोर पे रूम था, रूम का साइज़ थोड़ा सा इससे बड़ा है चाहे, बट फिर हमने चेक किया जहाँ से हमने अपना बुकिंग करी थी जो ऐप से, होटल बुकिंग ऐप से, तो वहाँ पर हमने बुकिंग का चेक किया, फ्रंट आगे कुछ गेट्स भी डालकर देखी, तो एग्जीक्यूटिव रूम सस्ता आ रहा था, प्लस हमें इतना नॉलेज था भी कि एग्जीक्यूटिव रूम्स पहले बेसिक आते हैं फिर उससे ऊपर एलीट रूम्स आते हैं, तो हमने ऊपर आके देखा। फिर हम नीचे गए रिसेप्शन पे बात करने गए, तो जब हमने ये बोला कि भाई हमारा एलीट डबल रूम है, आप हमें एक बार ये एलीट डबल रूम दिखाओ, और जो एलीट रूम्स हैं वो 4th, 5th, 6th फ्लोर पे है और एग्जीक्यूटिव रूम 2nd, 3rd फ्लोर पे है, और आपने हमें सेकंड फ्लोर पे कैसे अपग्रेड कर दिया भाई, एलीट हमने बुक किया और आपने अपग्रेड करके हमें एग्जीक्यूटिव रूम दे दिया। तो हमने उसे बोला कि आप हमें हमारा रूम जो हमने बुक किया हुआ था ऑनलाइन वो दिखाओ, वो आप कैसे बुक कर सकते हो, कि हम तो पहले से ही बुकिंग करके आ रहे हैं, 10 दिन 5 दिन पहले से बुकिंग करके आ रहे हैं, तो वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो। हमने ये चीज़ बोली कि आप एक काम करो, आप हमें रूम दिखाओ, तो हमारा जो रूम आप एलीट वाला है वो दिखाओ, और फिर उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे भाई हमें ये लेना है, अपग्रेड करना भी है, या हम बेसिक रूम जो आप बोल रहे हो कि हम 12 बेसिक रूम बुक गए तो हम उसी में ही सेटिस्फाइड हैं। तो रिसेप्शनिस्ट पहले तो बोलने लगा कि चलो ठीक है, ऐसी बात है आप देख लो, तो वहीं हमें समझ आ गया कि अगर सारे रूम्स बुक्ड होते तो ये रूम ही कैसे दिखा पाता हमारे को। सो फिर उन्होंने रूम दिखाया, तो अभी जिस रूम में हम लोग स्टे कर रहे हैं वो रूम हमने बुक किया था ऑनलाइन, और यहाँ से आते ही हमने व्यू देखा कि व्यू इतना अच्छा है। सो जिस वजह से हमारे को ये पता लगा जब हमने इस रूम में आके देखा कि एक स्कैम जो है वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो स्कैम एक तरह से करना चाह रहे थे कि भाई हमारा जो एलीट रूम बुक है, जो अपर लेवल का रूम बुक है अपर ग्रेड का, उसको डाउनग्रेड करके हमारे को उल्टा बोल रहे हैं कि आपको मैं अपर लेवल का रूम दे रहा हूँ। तो ये चीज़ एक हमारे साथ यहाँ पर आके बीती। तो गाइज अगर आप भी यहाँ का रूम बुक करें तो आप भी ये चीज़ तो थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं, बट फाइनली हमारे को ये रूम मिल गया। तो एक और बात थी, वो क्या हुआ बीच में, इसमें क्या सीन हुआ कि हमने उन्हें बोला ना हमें रूम दिखाओ आप एलीट वाला, तो उन्होंने एक तो 202 रूम की चाबी दे दी और एक 104 जिसमें हमें पहले उन्होंने फिटिंग करा था। तो जब हमने मेंशन, जब लिफ्ट के पास गए तो 204 थर्ड फ्लोर पे था और 104 सेकंड फ्लोर पे, तो हमने उसे ये बोला कि भाई ये तो आप दोनों ही एग्जीक्यूटिव रूम्स हमें दिखा रहे हो, एलीट तो हमें दिखाई नहीं रहे आप रूम, तो हमें पता कैसे चलेगा कि एलीट रूम कैसे है। तो हमारे को रिसेप्शनिस्ट ने ये एक लाइन बोली कि ये तो सर जो बोर्ड लगा है, जो आपको बोर्ड मैंने दिखाया था, ये तो बोर्ड सर बहुत पुराना लगा हुआ है, और मतलब वो अपने स्टेटमेंट्स पे ही नहीं रह रहा था, और ये चीज़ उसने बोल दिया कि ये जो होटल में बोर्ड लगा हुआ है ये बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ है और ये अभी इसके हिसाब से नहीं है, रूम्स ऊपर नीचे हैं, मतलब 5th फ्लोर पे भी एग्जीक्यूटिव रूम है और 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे भी, 2nd फ्लोर पे भी जो है एलीट रूम्स हैं। तो ये चीज़ से ही हमें पता लगा भाई यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो घपला है।
तो इस वजह से तो ये एक छोटी सी इंसिडेंट था जो हमारे साथ यहाँ पे पार्क प्राइम में हुआ। तो गाइज अगर आप भी यहाँ पे पंजिम में स्टे करते हैं और पार्क प्राइम को आप सोचते हैं बुक करने का, तो इस बारे में थोड़ा सा दिमाग में आप रख सकते हैं। बाकी एवरीथिंग सब कुछ सही था, हमारा स्टे अच्छा था। ब्रेकफास्ट तो मिक्स्ड होता ही है, कहीं कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं कहीं कुछ नहीं अच्छी होती। लाइफ काउंटर हमेशा अच्छा होता है बिकॉज फ्रेश बनता है, प्लस कटलेट्स और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा सॉगी हो जाती हैं और थोड़ा सा हार्ड हो जाती हैं। तो ऐसे बाकी एक मिक्स एंड ऑल हमारा अच्छा स्टे रहा। तो हम लोग समवट 3.5 और 4 आउट ऑफ 5 इस होटल को हम लोग रेट कर सकते हैं हमारी तरफ से, हमारे स्टे के हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से, आप गाइज आपका बहुत अच्छा स्टे रहा होगा या कभी आप पहले आए या आगे आए तो स्टे अच्छा रहे। आई होप आप सभी का अच्छा रहे। सो आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में। सो सी यू गाइस, बाय बाय। मस्क एंड ज़ार क्रॉनिकल्स सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, और क्या चीज़ें कवर करें, आपको क्या चीज़ें देखनी है उसके बारे में कमेंट करो। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और जय श्री राम।